नमस्ते, आओ गुजराती सीखें के अगले भाग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूर्या प्रजापति, आप देख रहे हैं सूर्या इन्फो। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं गुजराती सीखना। समानार्थी शब्दों के फर्स्ट पार्ट में हमने 10 समानार्थी शब्द लिखना सीखे थे और आज सेकंड पार्ट में हम नए 10 समानार्थी शब्द लिखना और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सागर के समानार्थी शब्द लिखना सीखेंगे। सागर को कहते हैं दरियो। जलधि, रत्नाकर और समुद्र। दरियो, जलधि, रत्नाकर, समुद्र। उसके बाद में गगन के समानार्थी शब्द लिखना सीखेंगे। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले, एक जैसे अर्थ वाले। गगन को कहेंगे आकाश, आभ और आभलो। उसके बाद में आसमान, आकाश, आभ, आभलो, आसमान। उसके बाद में पुत्र के समानार्थी शब्द लिखना सीखते हैं। दिक्रो, तनया, सुत, तनुज। दिक्रो, तनया, सुत, तनुज। उसके बाद में रात्रि के समानार्थी शब्द होंगे रजनी, निशा, यामिनी, निशित। रजनी, निशा, यामिनी, निशित, यह रात्रि के समानार्थी शब्द। उसके बाद में हम मित्र के समानार्थी शब्द लिखना सीखेंगे। पहला है भाईबंद, फिर भैरू, दोस्त, सखा। भाईबंद, भैरू, दोस्त, सखा, यह मित्र के समानार्थी शब्द। उसके बाद में नवीन के समानार्थी शब्द लिखना सीखेंगे। नवीन यानी नया। नवू, नवलू, नूतन, अभिनव। नवू, नवलू, नूतन, अभिनव। उसके बाद में सफेद के समानार्थी शब्द लिखते हैं धौड़ू, धवल, उजड़ू और श्वेत। धौड़ू, धवल, उजड़ू, श्वेत। उसके बाद में सुंदर के समानार्थी शब्द लिखेंगे रूपाणु, खूबसूरत, रुचिर, ललित। रूपाणु,
खूबसूरत, रुचिर, ललित। उसके बाद में सूर्य के समानार्थी शब्द लिखना सीखेंगे, रवि, आदित्य, दिवाकर, भानु। रवि, आदित्य, दिवाकर, भानु। उसके बाद में प्रकाश के समानार्थी शब्द लिखना सीखते हैं, तेज, उजास, प्रभा, अजवाळु, तेज, उजास, प्रभा, अजवाळु। तो ये था आज का वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तो अब हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।